Hey guys, it's me Ans, और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए WhatsApp की टॉप 5 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गया हूँ, जिनको आप लोग अपने डिवाइस में लगा सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लाइक कर दें। तो फर्स्ट हिडन ट्रिक आती है, आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड को बिना उसके मैसेजेस को सीन करे रिप्लाई कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन से रिप्लाई कर सकते हो वो मैं मानता हूँ, बट कभी कभी यहाँ से डिसमिस हो जाते हैं नोटिफिकेशन, तब आप लोग क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को अपने गूगल असिस्टेंट को ओपन करना है, यहाँ पे बोलना है जो भी आप लोगों को जिसको भी मैसेज करना है वो बोलना है उसका नाम। तो गूगल असिस्टेंट आप लोगों को उसका चैट बॉक्स छोटा सा अपने यहीं पर खोल देगा। तो आप लोगों को यहाँ से जो भी मैसेज टाइप करना है आप लोग टाइप कर सकते हो और अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। उसको ये नहीं दिखाएगा कि आप लोगों ने उसका मैसेज देखा कि नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल, तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने अंश हेयर लिखा था तो उसको जा चुका है और वो बंदा कन्फ्यूज हो गया कि भाई कैसे भेज दिया। अब गाइज ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों ने ज़रूर से फेस करी होगी। आप लोग प्ले स्टोर पर कोई गेम डाउनलोड करने जाते हो और आप लोगों को प्ले स्टोर यूँ बोलता है कि आप लोगों के फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं है, तो आप लोग बेफालतू में अपने आके प्यारे ऐप्स को ना चाहते हुए भी डिलीट कर देते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आपको सिंपली अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को खोलना है। देन फाइल मैनेजर के अंदर आप लोगों को फ़ोन स्टोरेज के अंदर जाना है। देन आप लोगों को व्हाट्सएप नाम का फोल्डर मिलता है, उसमें आप लोगों को डेटाबेस नाम के एक फोल्डर मिलेगा। तो आप लोगों को ऊपर के सारे यहाँ पे जितने भी डेटाबेस हैं सब आप लोगों को डिलीट कर देना है, लास्ट के 3 छोड़ के। ये व्हाट्सएप हर दिन 2 बजे के बाद बनाता है, तो इसको आप लोग कर दो, आप लोगों का स्टोरेज काफ़ी फ्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट हिडन ट्रिक बताता हूँ भाई, ये हिडन ट्रिक के बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। बहुत से लोग अपने स्टेटस पे लोगों की वीडियोस को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए वो लोग अलग अलग वीडियोस को अलग अलग पेज पे डालते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग सारी वीडियोस की लिंक को एक ही पेज पे डाल सकते हो और सारी क्लिकेबल लिंक होंगी, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से आप लोगों का ये जो चीज़ है वर्क करते हो, व्हाट्सएप पे ऑफिशियली है ये लोग, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो वो लोग अलग अलग पेज जाके अलग अलग स्टेटस लगाते हैं, हर एक स्टेटस पे एक वीडियो देते हैं, तो भाई ऐसे बहुत बेकार चीज़ हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बहुत बार गाइस ऐसा होता है आप लोगों की जो मीडिया है वो बेफालतू में आप लोगों के फ़ोन में भर्ती रहती है और आप लोगों को उसको देखना नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने चैट बॉक्स के इंक्रिप्शन ऑप्शन पर जाना है, नो कर देना है। आप लोग इसको नो कर दोगे तो आप लोगों की ये जो मीडिया है वो आप लोगों की गैलरी में स्टोर नहीं होगी, मतलब शो ही नहीं करेगी। उसके लिए आप लोगों को शो करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप के मीडिया नाम के फोल्डर में जाना है, वहाँ पे आप लोगों को एक प्राइवेट नाम का फोल्डर मिलेगा, आप लोगों की वो सारी इमेजेस इस फोल्डर में सेव होगी, तो आप लोग यहीं से एक्सेस कर सकते हो। काफी अच्छा फीचर है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चाहो तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और मैं डेली कोशिश करते रहता हूँ कि आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट लॉन्चर्स, बेस्ट एप्स और इसी टाइप की वीडियोस लाते रहूं। अगर आप लोगों को मेरी डेडिकेशन और मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं वैसे नहीं कह रहा, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और